नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त प्रिया पांडे, जो आपका मोक्ष चैनल में तह दिल से स्वागत करती हूं। और आज मैं आप लोगों को उत्तराखंड लेकर चल रही हूं। जी हां, उत्तराखंड का वो नायाब मंदिर जहां जाने भर से और पूजा पाठ करने से हो जाती है आपकी सारी मनोकामना पूर्ण और न्याय मिल जाता है। जी हाँ, गोलू देवता। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में स्थित गोलू देवता की। गोलू देवता का प्रसिद्ध मंदिर उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले के चितई नामक स्थान पर स्थित है। यह मंदिर अल्मोड़ा शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी व्यक्ति कोई भी मुराद लेकर आता है वह जरूर पूरी होती है। साथ ही कोई अगर न्याय की आस में यहाँ आता है तो गोलू देवता के दर्शन करके उसको जल्द ही न्याय की प्राप्ति हो जाती है। और इसकी सबसे बड़ी जो हम बात करेंगे इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता की, वो है कि यहाँ पर पूरे विश्व भर में अगर देखा जाए तो गोलू देवता के मंदिर में, यानी उत्तराखंड का ये गोलू देवता मंदिर, जहाँ पर घंटियों की संख्या हजारों करोड़ों में है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ की मान्यता है कि जिस किसी की भी इच्छा यहाँ पर पूरी हो जाती है या भगवान के दर्शन करने से जिसको भी न्याय मिल जाता है वो यहाँ पर अपनी सहूलियत के अनुसार घंटी बांधते हैं। ये इतना ही नहीं, यहाँ पर लोग अपनी मनोकामना और अपने न्याय के लिए जो है चिट्ठी लिख कर गोलू देवता से मदद मांगते हैं, न्याय मांगते हैं। और ये जो है बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और अब इन घंटियों की संख्या से हम इस बात का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि गोलू देवता न्याय के देवता कहे जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि जिन जिन भक्तों के जो प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, उनकी जो उनके साथ न्याय होता है वो भगवान करते हैं, जिसकी वजह से ही उनको न्याय मिलने के बाद मंदिर में घंटी बांधने की परंपरा शुरू की गई। और इन घंटियों के संख्याओं को देखकर लगता है कि गोलू देवता ने बहुत से लोगों को न्याय दिलाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज की जनरेशन में न्याय दिलाने के लिए कोर्ट है, जज है, वकील है, तो ये गोलू देवता मंदिर न्याय के देवता कैसे हो गए? तो उसके पीछे की एक बहुत ही रोचक कहानी है, जिस कहानी से आज मैं आप सबको रूबरू कराने जा रही हूँ। गोलू देवता, जिन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है, गोलू देवता अपने न्यायप्रिय स्वभाव एवं सभी की कामनाएं पूर्ण करने के कारण विश्व प्रसिद्ध है। ऐसी लोक कथा है कि गोलू देवता कत्यूरी राजवंश के राजा झालूराय की इकलौती संतान थे। राजा झालूराय एक न्यायप्रिय, दयालु और तेजस्वी राजा थे। उनकी 7 रानियां थी, परंतु एक भी संतान न थी, जो सबसे दुख की बात थी। उनको अपना वंश आगे न बढ़ा पाने का डर सता रहा था, जिस कारण वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते थे। एक दिन राजा एक ज्योतिषी से मिले, जिसने राजा को भगवान भैरव की तपस्या करने को कहा। इसके बाद राजा ने घनघोर तपस्या कर भगवान भैरव को प्रसन्न किया। भगवान भैरव ने दर्शन देकर राजा की तपस्या का कारण पूछा। राजा ने कहा, प्रभु आपको तो सब ज्ञात है, मेरे पास सब कुछ है, 7 रानियाँ भी हैं, पर एक में से भी संतान सुख प्राप्त नहीं है। यह बात सुन भगवान भैरव ने कहा, राजा तुम उदारवादी और तेजस्वी राजा हो, परंतु तुम्हारे जीवन में संतान सुख नहीं है। पर क्योंकि तुमने मुझे प्रसन्न कर संतान सुख का वरदान मांगा है, तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। मैं स्वयं तुम्हारे घर पुत्र के रूप में जन्म लूँगा, परंतु इसके लिए तुम्हें 8वां विवाह करना होगा। अब इस बात को सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और भगवान भैरव से पूछा कि वह कौन सौभाग्यशाली स्त्री होगी जिसके गर्भ से आप जन्म लेंगे। इस प्रश्न पर भगवान भैरव ने कहा कि उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं ये पता चल जाएगा कि तुम्हारी 8वीं पत्नी कौन होगी। कई दिन बीत गए, पर राजा को वो स्त्री नहीं मिली जिससे वह विवाह कर सके। लेकिन एक दिन राजा शिकार पर गए हुए थे। पूरे दिन शिकार के पश्चात उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगी, तो सेवकों से पानी मांगा, पर पानी खत्म हो चुका था, इसलिए सेवक पानी की तलाश में निकल गए और काफ़ी देर तक न लौटे तो राजा उनकी तलाश में एक तालाब के किनारे पहुँचे, जहाँ उनके सिपाही पूरे तरीके से मूर्छित पड़े थे। यह देख राजा चौंक गए और जैसे ही पानी पीने वाले थे, उनको एक स्त्री की आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ, इन सभी ने भी यही गलती की थी,
यह तालाब मेरा है और मेरी आज्ञा के बिना तुम पानी नहीं पी सकते हो। वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी। राजा उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। राजा ने बताया कि वह इस राज्य के राजा झोलुराय हैं और पूछा कि देवी आप कौन हैं और इस वन में क्या कर रही हैं। उस स्त्री ने बताया कि वह पंच देवताओं की बहन कलिंगा है और झोलुराय को यह बात साबित करने को कहा कि वह राजा है। तभी इस पर झोलुराय ने कहा कि आप ही बताएं देवी, मैं आपको अपने राजा होने का क्या प्रमाण दूं। स्त्री ने पास में ही आपस में लड़ते हुए दो भैंसों को देखा और कहा कि अगर आप इन दोनों को अलग कर सके तो मैं मान जाऊंगी कि आप ही राजा झोलुराय हैं। राजा ने काफ़ी प्रयत्न किए, प्रयास किया, पर सफलता ना मिली। यह देख कलिंगा ने स्वयं उन दोनों भैंसों को अलग कर उनकी लड़ाई छुड़वा दी। राजा यह देख काफ़ी प्रभावित हुए और देवी कलिंगा को अपनी आठवीं पत्नी बनाने का ठान लिया और विवाह का प्रस्ताव पंच देवताओं के सम्मुख रखा। पंच देवता भी राजा झोलुराय की महानता से प्रभावित थे, इसीलिए दोनों का विवाह करा दिया गया। कुछ ही वक्त बाद रानी कलिंगा गर्भवती हो गई। यह देख सातों रानियां कलिंगा से जलने लगी। सातों रानियों ने मिलकर यह योजना बनाई कि कैसे भी रानी कलिंगा की संतान को खत्म करना है। सातों रानियों ने कलिंगा से कहा कि एक ज्योतिषी ने उन्हें बताया है कि जन्म के वक्त अगर तुम अपनी संतान को देखोगी तो वह मर जाएगी। जल्द ही प्रसव का दिन आया। रानी कलिंगा की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। रानी ने पुत्र को जन्म दिया। सातों रानियों ने बच्चे को गौशाला में फेंक दिया ताकि बच्चा पशुओं के पैरों तले आकर मर जाए और रानी कलिंगा को बताया कि उसने एक सिलवट्टे यानी पत्थर को जन्म दिया है और वो खून से लथपथ पत्थर कलिंगा की गोद में दे दिया। वहीं दूसरी तरफ गौशाला में पड़े बच्चे को खरोच तक नहीं आई। गाय का दूध पीकर बच्चा सकुशल था। यह देख सातों रानियों ने बच्चे को नमक के ढेर में दबा दिया, पर वह नमक का ढेर चीनी के ढेर में बदल गया। उसके बाद बिच्छुओं के बीच फेंक दिया, पर बच्चे का बाल भी बाका ना हुआ। जब रानियों को कुछ ना समझ आया तो बच्चे को संदूक में बंद करके काली नदी में बहा दिया। 7 दिन 7 रात के बाद एक मछुआरे के जाल में वह संदूक जा फंसा। जब मछुआरे ने संदूक खोला तो उसमें से एक बच्चा निकला। यह देख मछुआरा और उसकी पत्नी काफ़ी प्रसन्न हुए क्योंकि उन दोनों की भी कोई संतान न थी। दिन बीतते गए, लड़का बड़ा हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ राजा झोलुराय अपनी किस्मत से काफ़ी निराश थे। एक दिन लड़के को अपने सपने में ज्ञात हुआ कि वह राजा झोलुराय के पुत्र हैं और उनके सौतेली माओं यानी सातों रानियों ने धोखे से उन्हें उनके माता पिता से दूर कर दिया है। साथ ही अपने जीवन का उद्देश्य, जन्म से जुड़ी घटनाएं, ये सब कुछ उन्हें याद आ जाता है। तब सब कुछ ज्ञात होने के पश्चात लड़का अपने पिता मछुआरे के पास गया और घोड़े की मांग की। मछुआरा गरीब था, घोड़ा खरीद पाने में सक्षम न था, तो वह लकड़ी का घोड़ा ले आया। लड़का अपने भगवान भैरव के अवतार को जान चुका था जिस कारण उसमें दैव्य व चमत्कारी शक्तियाँ आ चुकी थी, तो लड़के ने अपने चमत्कार से लकड़ी के घोड़े को जीवित कर दिया और घोड़े को लेकर राजा झोलुराय की राजधानी की तरफ चल पड़े। राजधानी के समीप ही एक तालाब के किनारे सातों रानियां बैठी हुई थी। यह देख लड़के ने अपने घोड़े को फिर से लकड़ी का घोड़ा बना दिया और रानियों उसके पास जाकर बोला कि हटो यहाँ से, मेरे घोड़े को पानी पीना है। रानियां ये देखकर हैरान थी कि लड़का काठ के घोड़े को पानी पिलाने लाया है। उनमें से एक रानी बोली कि बालक, तुम पागल हो क्या? लकड़ी का घोड़ा कैसे पानी पी सकता है? यह सुनकर लड़का बोला, अगर इस राज्य की रानी एक सिलवट्टे को जन्म दे सकती है तो क्या मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता है? रानियां लड़के का दुस्साहस देख काफ़ी गुस्सा हुई और लड़के की शिकायत राजा से की। लड़के को पकड़कर राजा के सम्मुख महल में लाया गया। राजा ने लड़के से पूछा कि क्या तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं है कि काठ का घोड़ा पानी नहीं पीता है? इस पर लड़के ने कहा, राजन, जब इस राज्य की महारानी एक पत्थर को जन्म दे सकती है तो क्या मेरी लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता है? साथ ही लड़के ने बताया कि वही राजा की इकलौती संतान है जिसे सातों रानियों ने मिलकर मारने की कोशिश की थी। साथ ही भगवान भैरव और राजा के बीच हुई बातों के बारे में भी बताया जिसे सिर्फ राजा झोलुराय ही जानते थे। सब बात सुन राजा को लड़के की बातों पर यकीन आ चुका था कि वही लड़का उनकी संतान है। साथ ही क्रोधित होकर राजा ने सातों रानियों को कारावास में डाल दिया। सातों रानियां चीखने पुकारने लगी। वह रानी कलिंगा और राजा से क्षमा याचना मांगने लगी। बालक के कहने पर राजा ने सातों रानियों को माफ कर दिया
कुछ वक्त पश्चात बालक युवा हो चुका था। राजा झोलराय के पश्चात उन्होंने राज्य का भार संभाला और अपने तुरंत व सही न्याय के कारण ही उन्हें न्याय का देवता कहा गया। तो इसी वजह से उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले के चितई राज्य में हमारे गोलू नामक देवता के नाम से इनकी मूर्ति स्थापित की गई और इनकी पूजा याचना की गई और गोलू देवता को ही न्याय देवता के नाम से जाना गया, जहां पर सभी के मुराद पूरी होती है और पूरी होने के बाद सभी भक्तगण वहां पर मंदिरों में घंटी बांधते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार। इसीलिए गोलू देवता उत्तराखंड का एक ऐसा मंदिर है जहां पर आपको करोड़ों की संख्या में घंटी देखने को मिलती है। साथ ही साथ यहां पर जो लोग हैं वो चिट्ठियों के माध्यम से भी देश विदेश अलग अलग कई राज्यों से चिट्ठियां लिखकर अपनी परेशानियां और दुख हरवाने के लिए गोलू देवता के मंदिर में अपने मनोकामनाएं जो है लिखकर भिजवाते हैं और ऐसी मान्यता है कि उनकी मान्यताएं यहां पर उनकी जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।